हेलो दगड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहलाक अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल में मैं वीरू रुथवाल उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार दोस्तों, कल मैं आया हुआ था हल्द्वानी पे, और हल्द्वानी में क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, इस सब चीज़ इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो कल आपने देखा मस्त हवेली वाला वीडियो, तो अचानक से मैं पहाड़ से प्लेन से मैं क्या कर रहा हूँ वो सब कुछ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यार दोस्तों, आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर ही दिया है, तो जुड़े रहें, इन्जॉय करें और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल। तो यार दोस्तों, अभी आपका ये सवाल होगा कि आप ये अभी हो कहाँ पे। तो यार दोस्तों, मैं हूँ अभी हल्द्वानी के मोती नगर में मैं हूँ, और ये देखो मोती नगर में कुछ इस तरीके का सीन है। ये देखो भाई, काफ़ी बार आपने ब्लॉग में ये वाला सीन ज़रूर देखा होगा। तो यार दोस्तों, मैं अभी हूँ हल्द्वानी के मोती नगर में, परवीन लोगों के घर में, चाचा लोगों के घर में। तो यार दोस्तों, अचानक से मुझे यहाँ आना पड़ा था क्योंकि मम्मी की थोड़ी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। जैसे कि वो था ना गठियाबाद, हर महिला पहाड़ी महिलाओं के पाँव में 100 में से 90% लोगों के पाँव में होता है गठियाबाद। तो मम्मी के पाँव में उसी गठियाबाद ने काफ़ी प्रॉब्लम कर दिया था। तो मैं सोचा था कि क्यों ना मम्मी को हॉस्पिटल ले जाऊं करके, पिछली बार सोचा था। तो पिछली बार अचानक से पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं पिताजी को लेके गया था अचानक, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए मैं पापा को बरेली लेके गया हुआ था। तो पिताजी को तो हॉस्पिटल लेके, हॉस्पिटल से ऑपरेशन वगैरह सब कुछ होके घर लेके आ गए थे। तो घर आके मम्मी को देखा, मम्मी भी काफ़ी परेशानी में थी और डॉन भी काफ़ी परेशानी में थी। तो परसों को डॉन को ले गया था मैं हॉस्पिटल शाम को। तो डॉन के भी मतलब थोड़ा सा कमज़ोर है ना, फेफड़े वगैरह कमज़ोर है बोल रहा था डॉक्टर, तो दिखा लेना बोल रहा था। तो डॉन तो अभी थोड़ा नॉर्मल थी, तो इसलिए मैं डॉन को हॉस्पिटल नहीं ले आया अभी, तो मैं मम्मी को ले गया क्योंकि मम्मी को ज़्यादा प्रॉब्लम थी। भाई अब यहाँ से जैसे मम्मी ठीक हो जाएगी ना, फिर जाके डॉन को हॉस्पिटल ले जाना है। तो यार दोस्तों, मेरी तो ज़िंदगी हॉस्पिटल में कट रही है लगभग, ठीक है, कभी मम्मी कभी पापा कभी डॉन, मैं पता नहीं कब, ठीक है। तो अभी तो भगवान की कृपा से ठीक चल रहा है सब कुछ, स्वस्थ है मेरा शरीर। तो यार अब यहाँ से सीधे चलते हैं हॉस्पिटल, ले जाता हूँ यार मम्मी को, नाश्ता वगैरह करिए मम्मी। मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग शांति में की जाए स्टार्ट, तो मैं अभी छत पर आया हुआ था। तो अब मम्मी को दिखाता हूँ, मम्मी नाश्ता कर रही है, फिर परवीन मैं और गुड़िया और मम्मी जाएंगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल दिखा के आते हैं भाई। तो मम्मी तो अभी यहाँ पर कर रही है मस्त से नाश्ता, रखा है ठीक है तबीयत ना है। और पूजा भी यहाँ पे खा रही है, क्या खा रही है, दही। दही। और भाई भी नाश्ता कर रहा है, इसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद सीधे निकलते हैं, क्यों बर्रो ठीक सही है। तो यार दोस्तों, फाइनली रेडी हो गई है मम्मी, और चाची भी रेडी हो गई है, और परवीन ने निकाल दिया अपनी लग्जरी, चल निकाल भाई आराम से, आराम से लगेगी। हाँ गुड़िया ATM के पीछे बड़ी है, चल भाई। रेड मठो मस्त इटी तू नल लौट नहीं जा दबश, आराम लो बस। अच्छा आज नहीं वो खाना टाइम कर लो। तो गाड़ी में बैठ चुके, अब चलते हैं सीधे हॉस्पिटल। तो यार दोस्त, फाइनली हम पहुंच गए हैं मैट्रिक हॉस्पिटल पे, और हड्डियों वाले डॉक्टर यहीं पे हैं, और यहाँ पर से मम्मी भी उतर गई है। दही टू हॉस्पिटल आप, और लॉक कर गाड़ी, लॉक कर दे है? आई भी इतनी हुई लोग। फाइनली मम्मी का
क्या बोलते हैं हॉस्पिटल पे कर दिया है एडमिशन, और जो कि डॉक्टर साहब को दिखाया था ना, तो घुटने की जो कटोरी होती है तो वो पूरा मतलब टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, और वो पूरे मतलब घुटने से ऊपर को आ गए थे, और गांठ टाइप का जो बना हुआ था वो हड्डियों के टूटने से बना हुआ था। तो एक्सरे वगैरह किया तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो काफ़ी भारी चपत लगने वाली है, ठीक है, लगभग 2.5 के आसपास का खर्चा आने वाला है। तो अभी मम्मी तो हो गई है, एडमिट हो गई है, तो 1-2 दिन के अंदर ऑपरेशन हो जाएगा जहाँ तक ख्याल है। तो ऑपरेशन होने के बाद आशा करता हूँ कि मम्मी मस्त करके दौड़े, और मम्मी भी यहाँ पे बैठी हुई है मस्त करके। ये तो यार भाई मम्मी को तो एडमिट करा दिया है, और लगभग 3 या 4 दिन यहाँ लगने वाले हैं। अभी मैं आ रखा हूँ थोड़ा हॉस्पिटल से बाहर, कमरे से बाहर आ रखा हूँ। मम्मी तो वहाँ पे मस्त सोई थी, तो मैं थोड़ा बोर हो रहा था तो थोड़ा मैं बाहर आ गया हूँ भाई, और हॉस्पिटल का नज़ारा कुछ ये है, ये देखो। तो फैसिलिटी काफ़ी मस्त है, लग्जरी रूम भी है, प्राइवेट वार्ड है ना, तो उसमें काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, मतलब बढ़िया है, लेकिन खर्चा मस्त है भाई। तो अभी इलाज कराना है, कल परसों से हो जाएगा, कल शायद ऑपरेशन हो जाएगा, तो ऑपरेशन तक लगभग 2 जमा करने हैं हम लोगों ने, तो कर रहे हैं उसका भी जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी क्या ही कहूँ यार, परेशानी चल रही है ज़िंदगी में। ये देखो भाई रूम कुछ इस तरीके का है, मम्मी चाची मस्त सोए यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ टीवी भी लगी है भाई हॉस्पिटल में, भाई इतना मस्त टीवी भी लगा है यहाँ देखो, ये व्यवस्था काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, कुर्सी है, टेबल है। और अगर आपको पूरे वाइट एंगल में अगर रूम दिखाया जाए ना भाई, तो ये है यहाँ पे टॉयलेट है, ये एग्जिट रूम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह सब लगा हुआ है। ये देखो एसी भी लगी है भाई रूम में, तो व्यवस्था तो A1 है, A1 बिल्कुल सुपर डिलैक्स रूम, ऐसा तो होटल भी नहीं होता भाई, होटल के कमरे भी नहीं होते ऐसे, इतना सुपर डिलैक्स है। ये देखो टेबल की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, वहाँ पे थोड़ा छोटा सा ड्रॉअर है, कुर्सी है, बेड है, टेलीफोन है, मतलब एक हिसाब से पूरा होटल टाइप की रूम है, काफ़ी खतरनाक वाला। तो यार दोस्तों जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला था ऑपरेशन कल या परसों होगा, लेकिन अभी हमारे एक फौजी अंकल मिल चुके हैं जो कि यहीं हॉस्पिटल में काम करते हैं, और इन्होंने बोला कि मतलब परसों संडे है, तो क्या 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 ऐसे नहीं बता दो, अगर हो सकता है, अगर टेस्ट सब ठीक हो गए तो कल सुबह भी ऑपरेशन हो सकता है, कल शाम भी हो सकता है, मतलब जैसे प्रोसीजर हुआ परसों तो ऑपरेशन हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। तो अभी हम आए हैं, जा रहे हैं साई हॉस्पिटल जा रहे हैं कार्डियोग्राफी करने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन से पहले आदमी बहुत घबरा जाते हैं ना, इसलिए दिल की जांच करानी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए हम अभी साई हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। तो अंकल जी हमें ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, ये हार्ट का ये इको कराना इसलिए ज़रूरी है, जब ऑपरेशन होता है उस वक्त पेशेंट 3-4 घंटे के लिए बेहोश करा जाता है, उसको बोलते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के टाइम पर अगर बाय द वे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो पेशेंट शॉक में जा सकता है, इसलिए ऑपरेट करने से पहले, बेहोशी करने से पहले ये इको हार्ट का जाँच होना बहुत जरूरी है, और ये जाँच करता है कार्डिक एमडीडियम, कार्डियोलॉजी जो डॉक्टर होता है, कार्डियोलॉजिस्ट, वो जब लिख के देंगे कि हाँ भी इनका ऑपरेशन हो सकता है, तभी आगे ऑपरेशन। तो देखा दोस्तों कितनी प्रोसेस होती है एक चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, मम्मी और चाची पीछे बैठे हैं, और आगे का नज़ारा कुछ ऐसे है। मैं कि बल्द करना है परेशान वाट मुंडे ने, दोस्तों एम्बुलेंस में एक फ़ायदा होता है ना, अगर आप कहीं अगर फंस जाते हो तो ट्यू चला दो रास्ता साफ, तो वैसे ही अंकल जी भी कर रहे हैं अभी फौजी अंकल जी, ये देखो ट्यू अभी थोड़ी देर बाद रास्ता साफ हो जाएगा, पुलिस वाले लग गए काम पे। तो ये रहा साई हॉस्पिटल, अब यहाँ जाएंगे हम कार्डियोलॉजी कराने के लिए। भागो।
अरे वो बस आराम मिल पे हाँ आगे आगे करना भाई बस आराम मिल जा क्या लाया इजाल को चल भू पूरे पे भल भेजा ली यार क्यों हाँ मैट्रिक्स से लाए हैं मैट्रिक्स हाँ मैट्रिक्स से तो यार दोस्तों जो जो यहाँ टेस्ट लिखे थे ना वो हमने करा के लेके आ गए हैं तो सभी चीज़ें नॉर्मली चल रही हैं ये देखो ये लेकिन बिल बड़ा मस्त कटा 3000 का लगभग और हार्ट का नॉर्मल है और बाकी एक इको कराया हुआ था ये भी नॉर्मल आ रखा है तो अब हम मतलब सर्जरी करवा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अंकल जी का काफ़ी फटाफट करवा के आए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका है हमारा काम यही है अच्छा पब्लिक की सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं दोस्त अच्छा आप लोग तो हमारे घर के लोग हो हमसे जितनी मदद होती उतना कर दिया क्योंकि ये अभी इसलिए करा मैंने क्योंकि आपके ऑपरेशन कभी भी हो सकता है अच्छा सडनली हाँ अगर हमें कल अगर इसको टाल देते हम तो फिर ये कल सुबह कल 11 बजे बाद होता इको फिर वो लेट होता ही चले जाता है इसलिए क्या है कि हम सारे टेस्ट कम्प्लीट कर देंगे तो डॉक्टर कभी भी ऑपरेशन कर सकता है तो ये चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ होती है भाई क्योंकि ऑपरेशन करते टाइम ना बहुत सारी दिक्कतें भी आ जाती है किसी का हार्ट फेल तक हो जाता है ठीक है जब वो एनेस्थीसिया लगाते हैं ना वो तो काफ़ी खतरनाक चीज़ है वैसे तो एक हिसाब से ड्रग ही माना जाता है उसको लेकिन जब ऑपरेशन होता है ना उस टाइम में उस पार्ट को सुन करने के लिए जिस पार्ट में ऑपरेशन वगैरह होता है ना उस पार्ट में सुन करने के लिए एनेस्थीसिया लगाया जाता है एक ड्रग के रूप में भी काम करता है उस एरिया को मतलब लगभग सुन कर देते हैं बॉडी सुन होगी हाँ पूरा सुन कर उस एरिया का बॉडी सुन हो जाता है मतलब वो माइंड से जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उनको डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि वो पेन माइंड तक ना पहुँचे इसलिए तो अभी हम सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट तो कर चुके हैं और मम्मी पीछे बैठ गई है सो गई है चाची इंतज़ार कर रही है कब हॉस्पिटल पहुँचे करके और अंकल जी मस्त करे फटाफट काम करवा के फिर से हम हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं भाई तो ये चीज़ें इतने जल्दी जल्दी इसलिए हुई ना परसों को है संडे आने वाला है ना संडे आने वाला है और डॉक्टर साहब लोग छुट्टी पे रहेंगे तो उस हिसाब से क्या होता है ना पेशेंट पे ज़्यादा लोड ना पड़े करके तो इससे फटाफट सेट शूट कर दिया और एक दिन का बेड चार्ज कितना आप ही बता दो 3500 के समथिंग होगा देखो प्राइवेट कमरा दे रखा है ना तो उसका एक दिन का चार्ज लगभग मुझे उतना पता नहीं है लगभग इतना होगा तो लगभग आप अगर 2 दिन पहले भी चले जाएंगे आपके 7000 बच जाएंगे यही सोच है डॉक्टर साहब लोगों की कि हमारा आदमी आए तुरंत अपना काम करके निकल जाए तो मतलब डॉक्टर भी हमारे साथ है भगवान की कृपा से है नहीं तो बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जितने दिन रख सके तो पांडे है पंडित जी लोग थोड़ा दयालु होते ही है अच्छा और एक्स पिताजी इनके एक्स आर्मी वाले हैं तीनों भाई बहन डॉक्टर हैं ये गरीबी रेखा बहुत देखी इन्होंने अच्छा अच्छा इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आगे खाला बैठे तो कुछ ऐसा है भाई डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं तो फटाफट कल या परसों ऑपरेशन हो ही जाए कल तक तो हो ही जाएगा शाम तक तो कल ऑपरेशन हो गए हम जल्दी से जल्दी घर जा सकते हैं और मेरी भी यही दुआ है कि मम्मी फटाफट से अच्छे से चलना स्टार्ट करे पहले की तरह यार दोस्तों ना बाकी क्या ही होता है उसी से चलते हैं हॉस्पिटल क्या होता है जैसा भी होगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा भाई तो सीधे चलते हैं हॉस्पिटल की ओर तो यार भाई ऐसे होता है लिफ्ट का वेट ये नंबर चल रहा है नीचे से ऊपर आ रहे होंगे अच्छा तो मम्मी लोग यहीं से निकलेंगे अभी तो फाइनली दरवाजा कपाट खुले और लाइट अरे लाइट गया हाँ अच्छा अच्छा डरी है तू तक तक गाड़ू हुए चलो 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 हल्का सा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बुखार हो तो इतना दिक्कत नहीं होती है ना तो यार भाई लोग अभी हो गई है शाम और मैं अभी होटल पे आया हूँ खाना खाने लेने के लिए क्योंकि हॉस्पिटल से तो मुझे सिर्फ मम्मी को सिर्फ मिला दलिया इतने से छोटे से बाउल में तो दो लोगों के लिए क्या ही होता तो मैंने बोला कि मम्मी को भी नॉर्मल खाने के लिए बोला है तो अभी मैं आ रखा हूँ होटल पे आलू के पराठे ले जाता हूँ मस्त रहे मम्मी को खिलाता हूँ अगर कल ऑपरेशन होगा ना भाई तो कल ताकत मिलेगी उस चीज़ से ठीक है और होटल ये है भाई झपझप झपझप ज़्यादा हो रहा है लेकिन कोई नहीं एडजस्ट कर लो आधा मिनट ठीक है तो यहाँ से आलू पराठा पैक करता हूँ ले जाता हूँ हॉस्पिटल तो यार भैया फाइनली मैं खाना पैक करा के लेके आ गया हूँ और ठीक सामने है होटल
नहीं हॉस्पिटल, तो फैसले हॉस्पिटल चलते हैं भाई। रात का सफ़र ऐसा है भाई यहाँ का। ये तो मम्मी को खाना खिलाता हूँ हॉस्पिटल में जाके। ऊपर खाना तुल सब सवार मखाया हा पर मोटा ली तो मम्मी ने अभी तक खाया भी नहीं है। गलत बारी जा गलत बात। रोटा खा ली वे? रोटा नहीं खा ली? यो यो मेरी यार खाना खा कहो ने वो ऑपरेशन का कहो ने। अब रोटी लाया हूँ मम्मी के लिए, रोटी खिलाता हूँ। ला रही हूँ तेरे तो ला रही हूँ मरवे चक्कर चक्कर ये जूस होते हैं मोटाली बहु और ये जूस होते हैं ये मी पियोन ये जूस हो ये मी पियोन ठीक से ये हम अगर वाड़ ला रही तेरे ये खोल वो आलू परोठ को खोल ये खोल अगर वाड़ है तो यार दोस्तों फटाफट से मम्मी को खिला देता हूँ यार, आप भी बोर हो जाओगे नहीं तो। तो यार भाई लोग खाना हमारा लग चुका है। ये देखो दुकान से मैं लाया था वह आलू के परोठे लाया था, दो रोटी लाया था मम्मी के लिए और उसके साथ मिला है सलाद और ये छोले। और अभी डॉक्टर साहब आए थे ना तो उन्होंने बोला है कि मतलब कल या कल तक ऑपरेशन हो जाएगा और सारे टेस्ट हमने लगभग कर दिए थे और खाना नॉर्मली खा लेना है। तो नॉर्मली खाना बोला यहाँ मिला था हमें दलिया एक कटोरे में जो कि मम्मी होंग तक ना हो सूंगा तक नहीं भाई। तो अभी उसको कर दिया हमने साइड क्योंकि दलिया मैं भी बहुत कम खाता हूँ, सिर्फ दूध वाला खाता हूँ, मसाला वाला बिल्कुल नहीं खाता हूँ ना। तो यार फटाफट से खाना खा लेते हैं फिर करते हैं रेस्ट क्योंकि कल मैंने मम्मी को खून भी देना है पूरे एक यूनिट। ठीक है तो यार दोस्तों आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल।